हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुबंदांती व्लॉग। तो गाइज, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सुबह का थोड़ा बहुत काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने नहीं, मम्मी ने भिंडी धो करके रखा था, तो वही मैं फ्राई कर रही हूँ। और मम्मी अंदर घर का काम कर रही है, घर का झाड़ू पोछा करेंगी, उसके बाद नहाएंगी, पूजा करेंगी। इस वजह से तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए, वो चली गई अंदर काम करने के लिए। तो फटाफट से मैं भिंडी फ्राई कर लूँगी, उसके बाद रोटी बनाऊँगी। तो भिंडी फ्राई करने के बाद आटा लगा लूँगी, रोटी बनाऊँगी। तो चलिए, वीडियो भी बने रहेगा। होप सबको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होंगी। तो फ्रेंड्स, हमारा नाश्ता करना हो गया है। और नाश्ता वास्ता करने के बाद यहाँ पे मैंने रैक पे सारे धुले हुए कपड़े बिछा दिए हैं। और अभी किचन भी झाड़ू मैंने लगा दिया है और पोछा लगाना बाकी है। अब तो पोछा लगाएंगे, उसके बाद नहाऊंगी। तो यहाँ पे मम्मी कपड़े धुल रही है, मैं भी फटाफट से पोछा लगा लूँगी, उसके बाद नहाऊंगी। मम्मी ने घर पोछा लगा दिया है, घर पोछा भी किचन किचन पोछा मारे गए, खिड़की का पेड़ पानी होने से काम तो मम्मी वो डोरमेट धो रही है, उसके बाद मैं अभी जाऊँगी पोछा लगा लूँगी, उसके बाद नहाऊंगी। तो चलिए, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं नहा धो के आ गई हूँ और अभी मम्मी ने तो सारा कुछ बना के रेडी कर लिया, बाकी जो रेसिपी दिखाना है वो नहीं बनाई है। तो मैंने उनको बोला था कि मैं नहा के आऊँगी, उसके बाद बनाऊँगी, मतलब वो बनाएंगी, मैं वीडियो शूट करूँगी। तो अभी हमारा चावल बन रहा है यहाँ पे, तो चावल बन रहा है, मम्मी का चावल बन गया, दाल बन गया, बाकी सब्जी की बारी है अब। तो आज बनाएगी मम्मी कच्चे केले की सब्जी। तो कच्चे केले की सब्जी नहीं, कच्चे केले की कोफ्ते की सब्जी बनाएगी। तो इसको अब देखते हैं पहले क्या करने वाली है मम्मी। तो मम्मी को आने देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या करती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, मम्मी अभी कच्चे केले को अच्छे से धो के और काट रही है। तो इनको ना दो टुकड़ों में काट रही हैं। काटने के बाद अभी मम्मी इस पे बॉईल करने के लिए रख रही हैं। तो जब ये पक जाएंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा, क्या है क्या नहीं। तो चलिए, यहाँ पे देखिए, अब ये अच्छे से पक भी गए हैं। तो मम्मी ने अभी निकाल लिया है। और ये करते टाइम ना फ्रेंड्स, आपको सच बात बताओ, ये मतलब इसका छिलका निकालते टाइम मम्मी का हाथ इतना जल रहा था ना, क्योंकि टाइम भी हो रहा था और पापा को ना ठीक टाइम से लंच चाहिए, तो लेट हो रहा था। और इस वजह से मम्मी ने गरम गरम ही इतने मतलब जल्दबाजी में किया ना ये वीडियो, तो क्या ही बोलूँ। तो यहाँ पर अच्छे से मैश करने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा बेसन डाल दिया है, उसके बाद उस पर थोड़ा सा गरम मसाला और हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, हरी मिर्च, प्याज काट के इसको अच्छे से नमक दे करके मिक्स कर लेंगे और छोटे छोटे बॉल शेप में बना लेंगी वो। तो यहाँ पे देखिए, वो बना रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, मम्मी ने बॉल्स को फ्राई कर लिया है। और ना
अचानक से मम्मी को तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, इस वजह से फिर आगे का वीडियो मैंने बनाया वो बैठे बैठे बता रही थी। तो यहाँ पे मैंने ना आलू को छोटे छोटे टुकड़ों पे काट लिया है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, तो मीडियम साइज़ में काट लिया। और इसको हल्दी और हल्का सा नमक दे के फ्राई कर लूँगी। जब ये फ्राई हो जाएंगे तो इसको अलग से निकालूंगी, उसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट करूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे ना मुझे भी ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे सब्सक्राइबर जो है वो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ऐसे। तो इस वजह से मैं भी, मतलब मेरे ऊपर मुझ में भी जुनून आएगा कि हाँ मुझे डेली वीडियो छोड़ना चाहिए। और आप लोग देखोगे नहीं, लाइक नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो फिर मेरे मुझे लगेगा ही नहीं कि हाँ मुझे वीडियो डालना भी चाहिए। डालती भी हूँ तो कोई देखता नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो ऐसे हो जाता है। तो चलिए अभी आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते। तो यहाँ पर मैंने ना 5 फोड़न दे करके प्याज, तेज़पत्ता का और जो अदरक लहसुन का पेस्ट है उसको मैं अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। तो इसके बाद ना मैं आलू दे दूंगी। तो आगे का प्रोसेस ऐसे ही चलेगा, देखते रहिए आप वीडियो पे कैसे करके मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू को दे दिया है। इसके बाद मैं जो टमाटर काट के रखी हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में, वो भी मैं दे दूंगी। तो टमाटर और आलू देने के बाद मैं यहाँ पे नमक दे रही हूँ। तो नमक आप अपने हिसाब से दे, ताकि कोफ्ते में भी नमक है और फिर जो हमने आलू फ्राई करते टाइम दिया था उस पर भी नमक है, इस वजह से थोड़ा नमक अपने हिसाब से ही डालिएगा ताकि ज़्यादा ना हो। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने सूखा मसाला दे दिया है, जीरा पाउडर, मिक्स मसाला पाउडर और फिर कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर। तो यहाँ पे देखिए मैं मसाला अच्छे से भुन जाने के बाद, आलू अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद मैंने पानी दे कर ढक दिया है। तो आलू जैसे पक जाएगा वैसे मैं कोफ्ता लगा दूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मेरा आलू अच्छे से पक चुका है और अभी मैं यहाँ पे कोफ्ता जो मैंने फ्राई करके रखा था वो दे दूँगी। तो उसके बाद 4 से 5 मिनट तक रखूँगी, उसके बाद ये पक के रेडी हो जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे पक के रेडी हो चुका है।